हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस थापा। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12th चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 इंट्रोडक्शन, यानी एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टडी करेंगे। और टुडेज टॉपिक इज डिफरेंसिबिलिटी। स्टूडेंट्स, लास्ट डे इन ऑलरेडी वी हैव टू डिस्कस्ड अबाउट कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं डिफरेंसिबिलिटी। कंटिन्यूटी में हमने बताया था कि फंक्शन कब कंटिन्यूस होते हैं। कंटिन्यूटी के लिए हमने क्या किया था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल होते हैं और फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कहते थे, फंक्शन कंटिन्यूस है। नाउ डिफरेंसिबिलिटी, स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसिबिलिटी के बारे में। अब डिफरेंसिबिलिटी में क्या होता है, सपोज एफ इज एनी फंक्शन, देन एफ इज सेट टू बी डिफरेंसिबल एट सी, कोई पॉइंट सी होगा उस पर डिफरेंसिबल कहते हैं। जब डेरिवेटिव आता है स्टूडेंट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, अभी बताऊँगा किस तरह फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं एट सी, यानी ये इक्वल होते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो हम क्या कहते हैं, डिफरेंसिबिलिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, सी माइनस मीन्स जो सी पॉइंट है उसके जस्ट लेस देन या फिर जस्ट लेफ्ट, एफ एक्स माइनस एफ सी, एफ एक्स मतलब फंक्शन की वैल्यू एंड माइनस फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट अपॉन एक्स माइनस सी, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे सी प्लस आएगा, बाकी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे सी माइनस रखते हैं यानी लिमिट पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं एल एफ डैश, एफ डैश मतलब डेरिवेटिव होता है एफ डैश सी, क्योंकि सी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो एल एफ डैश सी यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट सी, दिस इक्वल टू देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो मतलब एच कोई पॉइंट ले लिया ठीक सी के लेफ्ट की ओर, तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस सी हो जाएगा क्योंकि लिमिट रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, सॉरी सी माइनस एच, सी माइनस एच क्योंकि सी रखेंगे सी से थोड़ा कम, सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी वैसे रहेगा अपॉन एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी की जगह आ जाएगा अपॉन एच, यहाँ पे लेफ्ट हैंड वाले में माइनस एच आ जाता है, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट है। और सिमिलरली आर एस डी को हम आर एफ डैश सी यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, एफ डैश रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव, यहाँ भी चेंज कर देंगे लिमिट एच टेंस टू, कोई एच ले लिया जो ग्रेटर देन जीरो है, एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ देखिए सी प्लस एच हो जाएगा, लिमिट रख देंगे सी से थोड़ा अधिक, सी प्लस मतलब क्या हुआ सी से थोड़ा अधिक, सी प्लस एच रख दिया थोड़ा अधिक क्योंकि सी एच इज़ द स्मॉल चेंज, माइनस एफ सी अपॉन यहाँ पे क्या आएगा आपका एच प्लस का एच। तो स्टूडेंट्स ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव है। अगर देखिए, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट सी, तब हम कहते हैं ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब इसको लिखने का तरीका ऐसे भी है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यानी फंक्शन की वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी इस तरह भी डिनोट करते हैं। देखिए इसको ऐसे भी डिनोटेड बाई, इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, डिनोटेड बाई इस तरह लिखते हैं डी वाई डी एक्स, डिफरेंस डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स आएगा डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स
एट एक्स इक्वल टू सी, यहाँ पे एक्स इक्वल टू सी या सिंपल सी भी लिख सकते हैं, इस तरह फंक्शन को लिखा जाता है डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ एक्स, इसको इस तरह से भी डिनोट किया जाता है। और फाइनली जो सी पॉइंट है, और फाइनली ऐसे भी लिखा जाता है एफ डैश सी, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी, इस तरह भी हम क्या करते हैं फंक्शन को डिनोट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंसिबिलिटी, ग्राफिकल मीनिंग भी होता है डिफरेंसिबिलिटी का, इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज कोई फंक्शन जो डिफरेंसिबल है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ऑफ वन एच, कोई इस तरह का ये फंक्शन है तो हम इसके इट्स स्लोप, जो ग्राफ होता है इसकी स्लोप आप जानते हैं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इस तरह। सपोज ये कोई कर्व है, राइट कर्व है, तो स्लोप किसी एक पॉइंट पे हम क्या करते हैं स्लोप ड्रॉ करते हैं। स्लोप मीन्स इस तरह क्या आएगा, टेंजेंट आएगा, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। तो ये स्लोप हो गया, यानी एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनाएगा इसको हम क्या कहते हैं स्लोप कहते हैं। तो ये स्लोप जो है ये पॉइंट होगा यहाँ पे, सपोज यहाँ से यहाँ एक्स डिस्टेंस और यहाँ एफ एक्स, फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स आता है, एक्स एफ एक्स एक्स कॉमा वाई या फिर एक्स एफ एक्स, तो स्लोप को हम डिनोट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इज कॉल्ड स्लोप। क्लास इलेवेंथ में ऑलरेडी आपने स्टडी कर चुके हैं स्लोप के बारे में। तो ये स्लोप से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इस पॉइंट पर डिफ्रेंसिबल होगा, अगर स्लोप ड्रॉ कर पा रहे हैं मीन्स डिफरेंसिबल है फंक्शन। देखिए कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जैसे ये मॉड्यूलस फंक्शन, इस तरह के ग्राफ आते हैं, इसमें क्या होता है कॉर्नर पॉइंट, कभी भी किसी ग्राफ के कॉर्नर पॉइंट पे हम स्लोप ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर देखिए इस पे स्लोप ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रहा है, मीन्स इसका हम स्लोप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो ये फंक्शन जो फंक्शन का ग्राफ है डिफरेंसिबल नहीं होगा। इट मीन्स किसी भी ग्राफ के कॉर्नर पॉइंट पे हम फंक्शन के स्लोप को ड्रॉ नहीं कर सकते, स्लोप ड्रॉ नहीं कर पाते, मीन्स डिफरेंसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा, बाकी इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।